तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि अपने इंडियन कार सिमुलेटर 3D के नेक्स्ट अपडेट के अंदर क्या आपने स्कॉर्पियो क्लासिक S11 एंड फॉर्च्यूनर लेजेंडर आएगी। सो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें जानने तो वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, जो बिना इसे देर के चल वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर्च्यूनर लेजेंडर के बारे में। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने गेम के अंदर ऑलरेडी दो फॉर्च्यूनर है, और शायद ही फॉर्च्यूनर लेजेंडर आएगी, क्योंकि उसके लिए कोई भी अपने रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बताया नहीं है कि ये गाड़ी आएगी। तो यार फॉर्च्यूनर लेजेंडर का तो पता नहीं भाई वो आएगी कि नहीं, लेकिन हाँ स्कॉर्पियो का ज़रूर पता है, स्कॉर्पियो क्लासिक का, क्योंकि उन्होंने जब ये जो मॉडल बना रहे थे ना अपने रोहित गेमिंग स्टूडियो, तब उन्होंने बोला था कि अपने इंडियन कार सिमुलेटर 3D, इंडियन बस सिमुलेटर 3D दोनों गेम्स के अंदर स्कॉर्पियो S11 क्लासिक आएगी। तो हाँ अभी आप लोगों ने कल ही देखा है कि अपने इंडियन बाइक्स 3D के अंदर स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ऐड हो चुके हैं, साथ में स्कॉर्पियो S11 भी। तो यार एकदम खतरनाक हो चुका है, अपने मॉडल भी बनकर तैयार हो चुका है। अपडेट इंडियन बाइक्स 3D का 2-4 दिनों के अंदर आने वाला है, तो उसके बाद अपने इंडियन कार सिमुलेटर के नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगी अपने स्कॉर्पियो S11 क्लासिक एंड फॉर्च्यूनर लेजेंडर को तो नहीं पता, और हाँ हैरियर भी आ सकते हैं, उसका भी मुझे कुछ भी पता नहीं है भाई। जब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो आई होप आपको आज के लिए वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने का मन है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। योर फ्रेंडली यूट्यूबर आर्टिस्ट स्टूडेंट साइनिंग ऑफ।